उसके बाद पूरी सिचुएशन बदल गई है जी। तेलंगाना में कांग्रेस की सबसे अच्छी स्थिति है और अब तक जो रुझान आ रहे हैं उससे लगभग स्पष्ट है कि कांग्रेस एक जो मैंने कहा भी था, मैंने लिखा भी था कि कांग्रेस के पक्ष में एक आंधी चल रही है वहाँ तेलंगाना में। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है मोटे तौर पे बरकरार है, हालांकि कांग्रेस को जितना मार्जिन पिछली बार मिला था वो इस बार नहीं मिल रहा है, उससे कम आ रहा है। फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में संशय चल रहा है, झूल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश जिसमें 3 महीना पहले लग रहा था कि कांग्रेस बड़े आराम से जीत लेगी, वैसी स्थिति नहीं है, पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इसका चुनाव पर लोग 2024 के चुनाव पर जो परिणाम होगा, 2-3 परिणाम मैं देख सकता हूं। पहला ये कि दक्षिण भारत से एक तरह से बीजेपी के लिए गुड बाय टाटा हो गया है, क्योंकि कर्नाटका में हारे और तेलंगाना जहां बीजेपी की बहुत उम्मीद थी और एक समय बीजेपी ने बहुत कोशिश और रिसोर्सेज लगाए थे कि तेलंगाना से एंट्री मिल जाएगी अगर कर्नाटका बंद हुआ जी। तो वहां भी बंद हो रहा है। तो पूरे दक्षिण भारत में इस वक्त बीजेपी के पास कोई दुर्ग नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट नहीं है। जो 3 राज्यों के अभी परिणाम आने हैं, अगर कांग्रेस यहाँ पे 3 में से 2 निकाल लेती है, समझिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस उत्साह से चुनाव में जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी 3 पिक कर लेती है तो जाहिर है बीजेपी बहुत उत्साह से जाएगी, इसका मॉरल एक तरह से वर्कर के उत्साह पे ज़्यादा असर होता है, सीधे सीधे चुनाव परिणाम पे असर होता है ऐसा नहीं है उत्तर भारत में। लेकिन योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा भी कि शुरुआत में जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पे लग रहा था कि कांग्रेस को एडवांटेज है और तमाम जो शुरुआती रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स उस वक्त के आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स, वो एडवांटेज कांग्रेस दिखा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यहाँ पर हम एज बीजेपी देख रहे हैं या फिर क्लोज फाइट देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देख रहे हैं, आखिर क्या फैक्टर्स रहे जो बात अभी आप भी कह रहे थे कि ये एडवांटेज कांग्रेस से क्लोज फाइट या एडवांटेज बीजेपी में तब्दील हो गया? मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम के लिए तो थोड़ा सा हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन्स पे जो देख रहा हूँ उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्लियरली, कुछ 48 सीट के करीब दिखा रहे हैं 82 में से जी। मध्य प्रदेश में जरूर एक बात हम अभी से कह सकते हैं कि जिस तरह की जीत कांग्रेस के लिए प्रोजेक्टेड थी 3 महीने पहले, कम से कम वैसी जीत तो नहीं होने वाली है और संभावना है कि हार हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ज़रूर बदला है जिससे हम सब हैरान हैं। मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ उसमें हुई हैं। पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो लाडली बहन योजना वाला अपना कार्ड खेला और जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आचार संहिता के बाद भी पहुँचाई गई, मैं वैसे हैरान हूँ इन चीज़ों से जी, क्योंकि तेलंगाना में उसी चुनाव आयोग ने रायतु बंधु की इंस्टॉलमेंट देने से रोक दिया लेकिन मध्य प्रदेश में चलता है, वो दिया गया, उसका एक असर हुआ। और उसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत ऊर्जा लगाई चुनाव लड़ने में जी, वो फैक्टर हो सकता है। मगर सच बताऊं तो मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस 2018 में लगभग जीतने के बाद 4 साल तक बीजेपी ने कोई बहुत शानदार सरकार तो चलाई नहीं, उसके बाद बीजेपी के 4-5% वोट बढ़ जाएं, ये अभी भी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं योगेंद्र सर। लेकिन उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में से अगर 2 राज्यों में बीजेपी जीतती है जैसा कि आपने बताया, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया गठबंधन में जो तनाव है, तनातनी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन के अंदर भी उसको लेकर सवाल खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बाकी राज्यों में, वहाँ कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, ये 3 राज्य मुख्यतः गठबंधन के राज्य नहीं हैं जी, मुख्यतः 3 कांग्रेस के राज्य हैं। यहाँ छोटा छोटा एक कहीं पे सपा का थोड़ा सा रोल है, कहीं CPM का थोड़ा सा रोल है, मगर मेनली ये बीजेपी कांग्रेस स्टेट है, तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन का टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस 3 में से 2 राज्य जीतती है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ेगी, कांग्रेस का
का इंडिया गठबंधन में दावा बढ़ेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल ज़्यादा अपने अहंकार के लिए नहीं करेगी, वो समझदारी की बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हार जाती है जी। तो जाहिर है कांग्रेस के लिए सदमा होगा, सेटबैक होगा और उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा थोड़ा सा कम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये योगेंद्र जी कांग्रेस ऑन द कमबैक का सवाल है जी। तेलंगाना से कांग्रेस ऑन द कमबैक की पुष्टि होती है जी, लेकिन बाकी जगह होगी या नहीं देखना है जी। अगर एक, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी है, हमें इंतजार करना होगा 1 से 1.5 घंटे और क्लियर पिक्चर के लिए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल जो स्थितियां रुझान से आ रही है, अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब होती है तो ब्रांड मोदी को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह तमाम दबावों के बावजूद भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर के तौर पे कैंपेनिंग कर रहे थे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो की। मैं समझता हूं इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है जी। और ये मैं विचित्र चीज देखता हूं आमतौर पर मीडिया के एनालिसिस में कि अगर जीत गए तो ब्रांड मोदी, हार गए तो ब्रांड मोदी पे कोई असर नहीं होगा। नहीं, दोनों सवाल है सर। मेरे ख्याल में नहीं, मेरी तरफ से दोनों सवाल है। बीजेपी अगर जीत जाती है जी मैं समझता हूँ दोनों में ही मैं सीधे सीधे ब्रांड मोदी से, क्योंकि देखिए ये तीनों चुनाव, सच बात ये है कि ये चारों चुनाव मोदी या बीजेपी के राष्ट्रवाद के प्लैंक के ऊपर नहीं लड़े गए। सच बात यह है कि बीजेपी बार बार ये कोशिश करती रही है, प्रचार भी करती रही है कि बस जो भी होगा अंत में मोदी जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा। ये हमें बिहार में भी बताया गया था, ये हमें बंगाल में भी बताया गया था, ये हमें कर्नाटका में भी बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना जी। तो मैं समझता हूँ कि ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, ये न तो मोदी जी की सफलता है ना उनकी विफलता है। अगर बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतती है तो बीजेपी के लिए सफलता है, कांग्रेस के लिए धक्का है। ठीक है, मैं इसे सीधे सीधे ब्रांड मोदी की सफलता या विफलता से नहीं जोड़ता और ये बार बार साबित हुआ है। लेकिन योगेंद्र सर, अगर इन तीन उत्तर के राज्यों में से दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने उठाया, वो मुद्दा कहीं कमजोर पड़ जाएगा, मतलब वो मुद्दा वोट नहीं दिलवा पा रहा है, ये मैसेज जाएगा? दरअसल मुझे लगता है कि वो मुद्दा पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कारण ये है कि वास्तव में जाति जनगणना की बात तो की गई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुद्दा पहुंचा। जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, राजस्थान में घूम रहा था, तो ज़्यादातर वोटर को या कांग्रेस के अपने सपोर्टर को भी पता हो ऐसा मुझे नहीं लगा। तो अभी तक इस मुद्दे के बारे में ऊपर से चर्चा हुई है लेकिन ये मुद्दा नीचे तक पहुंचा नहीं है। और अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो ये भी संभव है कि कांग्रेस लीडरशिप तय करे कि हाँ भाई अब हमें गंभीरता से इसे उठाना है, अगर लोकसभा चुनाव में जीतना है जी। तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना है। तो इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि ये कार्ड चला नहीं, मुख्यतः ये वहाँ की सरकारों की परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव हो रहा है जी। एक कुल मिला के राष्ट्रीय, कम से कम जाति जनगणना जैसा मुद्दे पे चुनाव हुआ हो ऐसा मुझे लगा नहीं। योगेंद्र जी बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज लग रही है इसमें, शायद आप भी सुधार करें, कि इन 5 राज्यों में और खास करके इन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी, जातिवादी जो समीकरण है वो बहुत उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो यूपी और बिहार में होते हैं। शायद ये भी वजह रही हो कि जाति जनगणना वाला मुद्दा नहीं आ पाया। सिंह साहब, राजस्थान में जाति के समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई मायनों में राजस्थान का चुनाव बड़े स्थानीय जातीय समीकरणों पे खेला जा रहा है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मगर मैं समझता हूँ अभी भी कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना की बात तो की गई है जी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने नीचे के लेवल पे इस मुद्दे को पहुँचाने की कोशिश की हो जी ऐसा मुझे नहीं लगा। तेलंगाना में भी नहीं लगा। तेलंगाना वैसे तो बैकवर्ड क्लासेस का स्टेट है,
और बीसी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे को, जाति जनगणना को तेलंगाना में भी उठाया हुआ ऐसा मुझे नहीं लगा। तो कांग्रेस की जीत भी इस वजह से नहीं हो रही और कांग्रेस की हार अगर होती है तो वो भी इस वजह से नहीं। योगेंद्र सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, अगर लाडली योजना के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं या बीजेपी बहुमत के नजदीक पहुंच रही है, तो राजस्थान में 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त अनाज देकर अशोक गहलोत क्यों पिछड़ रहे हैं? क्या वेलफेयर स्कीम ही इस चुनाव का आधार है, और अगर है तो दोनों जगहों पर अंतर क्या नजर आता है सर आपको? वेलफेयर स्कीम तीनों राज्यों में खेली गई, जी छत्तीसगढ़ में भी जहां भूपेश बघेल जी ने खास तौर पे धान का दाम दिया और दूसरी तमाम योजनाएं लागू की, मध्य प्रदेश में लाडली बहन और दूसरी कुछ योजनाएं। उस लिहाज से अगर देखें तो राजस्थान इन सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं सिर्फ घोषणा नहीं हुई, वास्तव में लागू हुई, जो वहाँ की हेल्थ स्कीम है वो वास्तव में एक ऐसी स्कीम है जिसके हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है वो ऐसी स्कीम है जिसको पूरे देश भर में देखा जाना चाहिए, देश भर के लिए मॉडल हो सकती है वो। उसके अलावा वहाँ जो पेंशन बुज़ुर्गों के लिए, बुढ़ापे के लिए, विकलांग के लिए दी गई है, वहाँ गिग वर्कर्स की स्कीम है, तो एक तरह की वेलफेयर स्कीम्स में राजस्थान दूसरों से आगे है। लेकिन अगर आप देखें तो अशोक गहलोत जी का दो बार का रिकॉर्ड रहा है कि वो अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लाने के बाद भी चुनाव में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। 1998-2003 में जब उनकी सरकार थी, उस सरकार ने अकाल राहत का शानदार काम किया था और उसके बाद चुनाव हार गए। 2008-13 में उनकी सरकार रही तो उन्होंने पहली बार हेल्थ स्कीम तब लागू करनी शुरू की थी, लेकिन हारे ही नहीं, बुरी तरह से हार गए। क्या इस बार उसको बदल पाएंगे? तो मैं समझता हूँ केवल वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती, उसके साथ में चुनाव की सांगठनिक तैयारी और चुस्ती भी है जिसमें बीजेपी उनसे कहीं आगे रही है। लेकिन योगेंद्र जी, राजस्थान का ही आप जिक्र कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम की भी बात कर रहे हैं, राजस्थान की 30 साल की जो रिवायत है कि अल्टरनेट आप मौका देते हैं हर साल, कामकाज जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ कांग्रेस जो है एक अच्छी फाइट यहाँ पर दे रही है। एक तरफा अभी तक तो शुरुआती रुझान में राजस्थान के नतीजे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो टसल चलता रहा और मुखर तौर पर चलता रहा, अगर वो ना होता तो शायद स्थितियां और बेहतर हो सकती थी। चुनाव में जब मैं घूम रहा था मैंने ज्यादा चर्चा इस बात की सुनी नहीं, उससे एक साल पहले बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन चुनाव में कहीं पायलट गहलोत वाली बात बहुत सुनी नहीं। शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी का जो आंतरिक घमासान था वो कांग्रेस से भी कई गुना ज्यादा था। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा एक चीज़ जो शायद कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है वो है दो छोटी पार्टियाँ, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका वहाँ पे राजस्थान के शेखावती इलाके के अंदर एक असर रहा है, और कांग्रेस और उनका अलायंस होते होते रह गया, और दूसरा दक्षिण राजस्थान में BAP, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसका वहाँ के 10 सीट के ऊपर असर है वहाँ के भील समाज में, और वहाँ भी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया। अगर कांग्रेस 5-10 सीट से पीछे रहती है, जो कि अब मतलब फिलहाल बिल्कुल एकदम टस चल रहा है, तो उस पे ये दो पार्टियों से अलायंस ना होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है बजाय कि गहलोत पायलट वाले सवाल के। ठीक है मनोज सर, जो बात योगेंद्र यादव जी ने कही, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी को संगठन के मोर्चे पर काम करने की जरूरत है? वेलफेयर स्कीम तो अच्छी राजस्थान में भी थी, लेकिन संगठन में कहीं गड़बड़, कार्यकर्ता के स्तर पर कहीं गड़बड़? हाँ देखिए, आज से 4 महीने पहले जब हम अपनी एडिटोरियल मीटिंग में डिस्कस करते थे तो उस समय मध्य प्रदेश में हमें लगता था कि कांग्रेस की वापसी होगी ही होगी, लेकिन पिछले 3-4 महीने में जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बताते थे कि कांग्रेस को जिस तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था, या जिस तरीके से कमलनाथ को बाहर जो मतलब कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था वो कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो वहाँ सारे के सारे केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री योगी और जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियाँ करी। शिवराज सिंह चौहान ने तो पिछले कुछ दिनों में 165 जो रैलियाँ करी, और उनकी जो वेलफेयर स्कीम थी उनको जनता को
फिर से उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो उस सब चीज का मेरे को लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस इसमें पीछे। कमलनाथ के लिए कहा जाता है बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, डीके शिवकुमार की जो एजेंसी थी वही उन्होंने हायर भी की और एक अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो जो ग्रासरूट वाला जो एक नेता के तौर पर वो भाषण, वो बातें, वो जनता के साथ कनेक्ट जो शिवराज ऑफर करते हैं, कहीं ना कहीं वो कमी भी एक एडवांटेज बीजेपी बन जाती है? हाँ, और बड़े आश्चर्य की बात है कि इस इलेक्शन में खास तौर से जिस तरीके से कमलनाथ को कॉन्टेस्ट करना चाहिए था उन्होंने करा नहीं, और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका फीडबैक ये है कि कांग्रेस को लगता था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते जो एंटी बीजेपी वोट है वो अपने आप ही कांग्रेस की झोली में आएगा जी, तो और इस तरीके से उन्होंने उत्साह दिखाना कम कर दिया। योगेंद्र यादव सर, इन चुनावों के दरमियान हमने देखा कि सवाल उठा कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक क्यों नहीं हो रही है, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक बैठकें हुई भी नहीं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी नजर आई, राजस्थान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आई, छत्तीसगढ़ में लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया गठबंधन को लेकर कहीं सवाल खड़ा होगा सर आने वाले वक्त में, क्या यही एकजुटता दिखेगी 2024 में? अगर हम 6 महीना पहले सोचते कि इंडिया गठबंधन नामक कोई चीज़ बनेगी तो काफ़ी लोग कहते कि ना बाबा ये तो एक कमरे में नहीं बैठेंगे, कैसे आप अलायंस की बात कर रहे हो, लेकिन कमरे में बैठ गए, उसके बाद नामकरण भी हो गया। अब ये देखिए, ये अलायंस मूलतः विधानसभा के लिए नहीं है, ये अलायंस मूलतः है लोकसभा चुनाव के लिए, और ये एक तरह से बीच में इंटरेग्नम था, तो खींचातानी हुई। आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ ही नहीं राजस्थान में भी सीपीएम ने 17 कैंडिडेट उतारे जी। आम आदमी पार्टी कितना सेंट्रल है अभी इस अलायंस में वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ सपा और कांग्रेस के अंदर जो तनातनी हुई और सार्वजनिक हुई उससे अलायंस की छवि को नुकसान पहुंचता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सही मायने में इंडिया अलायंस की बातचीत और नेगोसिएशंस कल सुबह से शुरू होंगी। अभी तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि देखो विधानसभा हो लें तो क्योंकि पता लगे किसका कितना वजन है, तो सही मायने में लोकसभा की नेगोशिएशंस तो कल सुबह से शुरू होंगी जी। और मैं मुझे लगता है कि ना तो इनकी 100% अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और ना ही ये अलायंस टूटने वाला है, इसके बीच में कहीं स्थिति बनी रहेगी लोकसभा चुनाव तक। जो सर, बड़े राज्य उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती कहें तो क्या सही होगा? राज्य नहीं, अलायंस का जहां फर्क है, असली राज्य है मध्य प्रदेश है जी। क्या उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती अगर कहें तो क्या सही शब्द होगा सर, कि ना सहमति बनेगी ना गठबंधन टूटेगा? या राजनीति का बीच का रास्ता अनुराग, देखिए अलायंसेस तो हमेशा ही मौका और परिस्थिति को देखते हुए बनते हैं। अलायंसेस में आपको ये तो उम्मीद कर, अलायंस कोई एक परिवार नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं जिनमें खींचतान है, हमेशा रही है, चलती है, पार्टियों के भीतर भी खींचतान रहती है, पार्टियों की भीतर की खींचतान को आमतौर पे छुपाया जाता है और पार्टियों के बीच की खींचतान सार्वजनिक हो जाती है। ये राजनीति में हमेशा होता है, कोई खाली इंडिया अलायंस में नहीं, तमाम राजनीति में ऐसा होता है। मगर मुझे लगता है कि जिन राज्यों में फ़र्क पड़ेगा, महाराष्ट्र में अलायंस से फ़र्क पड़ेगा वहाँ बना रहेगा, बिहार और झारखंड में अलायंस से फ़र्क पड़ेगा वहाँ बना रहेगा, बाकी राज्यों में अलायंस जहाँ है, कई जगह पे अलायंस की खींचतान इसलिए है कि अलायंस की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई और चाहता है, जैसे बंगाल में TMC और लेफ्ट में अगर खींचतान होती है तो स्वाभाविक है वो एक अलग तरह की खींचतान है जी। या मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की जो खींचतान है वो चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, वो कुछ और किस्म की खींचतान है, वो चलती रहेगी। ठीक है एनके सिंह जी, राजस्थान का अगर जो टैली आ रही है अभी, नेक टू नेक भी बीच बीच में कई बार ये टैली हो जा रही है कि जब जहां पर दोनों में एक दो सीटों का ही अंतर आ रहा है, शायद बीजेपी अगर वसुंधरा के चेहरे को आगे करके जाती है आपको लगता है तो जो राजस्थान की रिवाज है ऑल्टरनेट मौका देने का वो उस पर कायम रहते और एडवांटेज बीजेपी शायद ज्यादा दिखती? नहीं देखिए, उसमें बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आप वसुंधरा को आगे करते तो उनके लोगों को सारे टिकट भी देते और सारे टिकट देते तो जो दूसरा गुट था वो नाराज होता। तो ये पॉलिटिक्स में एक अजीब सा फेज है जिसमें कि वसुंधरा को आप लाते ही, बात सही है कि वो बड़ी लीडर हैं, लेकिन तब फिर वो अपना वर्चस्व के लिए अपने लोग को लाती, टिकट उनको दिलवाती,
उस केस में आप सोचिए कि क्या स्थिति बनती। तो मुझे लगता है कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़े अजीब होते हैं, लेकिन एक बात है कि जो इंडिया अलायंस का योगेंद्र जी कह रहे हैं ये सर्वाइवल इंपरेटिव भी है। अगर आप देखें तो ये जो रीजनल फोर्सेज हैं यूपी बिहार में, और खास करके यूपी बिहार में ही कहेंगे, इसमें इनके लिए सर्वाइवल के लिए मजबूरी है कि अलायंस पे आए, वरना बीजेपी का जो ये जगरनाट है, ये जो रथ है जी, ये इनको सबसे बड़ा खतरा इन्हीं को है ना, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस तो अपना फिर सर्वाइव, आज भी 12 करोड़ वोट उसको मिलते हैं जी, और पैन इंडियन